मैं लॉरेंस बिश्नोई नहीं हूँ यार। अभी लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, उसका असली नाम है बलकरन ब्रार। 2015 से वो जेल में है। कौन सा जेल? साबरमती सेंट्रल जेल। वो किधर है? गुजरात में। तो सुनिए, गुजरात का एक जेल से लॉरेंस बिश्नोई यानी बलकरन ब्रार अगर टेररिज्म फैला रहा है, क्या आपको लगता नहीं है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ऊपर पड़ता है? आप नहीं बोल रहे? गुजरात आपका मोदी जी का और शाह जी का होमलैंड है। लॉरेंस बिश्नोई ने अगर गुजरात जेल से उसका इतना बड़ा टेरर नेटवर्क कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी क्या गुजरात सरकार के ऊपर नहीं पड़ते? एक आदमी जेल में रहकर अगर इतना टेररिज्म फैला सकता है, तो क्या इसका जिम्मेदारी हमारा होम मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं जाता है और हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी पर नहीं जाते है? देखो भाई, मुझे तो लगता है ये लॉरेंस बिश्नोई ये साला बलकरन ब्रार और ये ऐसा कुछ कर, ये मीडिया क्या कर रहा है इसको इतना उछल खदल के दिखा रहा है कि ये साला बहुत बड़ा टेररिस्ट। ठीक है, ये टेररिस्ट हो सकता है, लेकिन ये जेल में है, गुजरात का जेल में है। सोच लो, हमें मान लिया कि लॉरेंस बिश्नोई सच में है, उसका गैंग सच में है और वो इतना पावरफुल है कि वो जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क का द्वारा लोगों को मर्डर कर दे रहा है। वो भी नॉर्मल पब्लिक का नहीं यार, सेलिब्रिटी लोगों का, डॉन लोगों का। मीडिया एक बार भी इस पर सवाल नहीं उठा रहा है कि अगर ये सच में टेररिस्ट है और जेल से ये सब कर पाना मुमकिन हो पा रहा है, तो इसके लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए हमारा होम मिनिस्टर जिम्मेदार है। देखिए, दोनों में से एक हो, इधर ये टेररिस्ट है जैसा मीडिया बोल रहा है, वो सब सच बोल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो गुजरात सरकार, साबरमती जेल अथॉरिटी और हमारा होम मिनिस्टर पूरा फेल कर चुका होगा और वो जिम्मेदार है, उसे रिजाइन कर। और नहीं तो दूसरा नाम, मीडिया पूरा पूरी फेक फैला जा रहा है, मीडिया खामाखा आतंक का, मीडिया जानबूझकर लोग के अंदर डर डालना चाहते, स्पेशली डर डालना चाहते लोग पर, जिन लोगों का सरनेम या नेम कुछ अरबिक टाइप। हम मुसलमान नहीं बोल रहे यार, अरबिक, क्योंकि किसी का नाम वो अरबिक होने से ही हो नहीं जाता। तो कौन सा सही है? दोनों में से किसी एक। इधर हमारा मीडिया फुल यूरो बन गया है और वो खबर का नाम पे धब्बा चढ़ा रहा है। एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई बोल के कोई पावरफुल इतना आदमी है ही नहीं इंडिया में। नहीं तो दूसरा, अगर वो सच में साबरमती जेल से उसका ऑपरेशन चला रहा है गुजरात गवर्नमेंट, साबरमती जेल अथॉरिटी, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा सिक्योरिटी मिनिस्टर पूरा धब्बा है, इसको फेंकने का टाइम। देखो भाई, ये बाबा अब्बा किसको मारा, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक है? हम किसी भाईजन माईजन का फैन भी, लेकिन ये डर फैलाने का कोशिश इंस्टीट्यूशनली किया जा रहा है, ताकि ये लोग जिसका नाम कुछ अरबिक लेटर में होता है, अरबिक लैंग्वेज में होता है, ये डर में रहे। सिर्फ अरबिक वाला भी नहीं, ये फैलाया जा रहा है कि सिद्धू मूसा वाले को भी इन्होंने ताकत, वो एक सिख था, मतलब आपका हिसाब से माइनॉरिटी, मतलब आपका हिसाब से नॉन। देखिए, पहले मेजोरिटी लोगों को भड़काने का और डराने का कोशिश किया गया कि तुम खतरे में हो। क्यों? क्योंकि इधर मुसलमान है, इधर सिख है, इधर क्रिश्चियन है, तो तुम खतरे में हो। जब ये फॉर्मूला काम गया और उसको 400 नहीं आया, 240 में ही अटक गया, तब ये ऑपोजिट थ्योरी ले आ रहा है। अब ये माइनॉरिटीज को धमकाने का कोशिश किया जा रहा है, वो भी स्यूडो क्रिप्टो, हमने क्रिप्टो करेंसी सुना हुआ है, क्रिप्टो टेररिज्म है हमारा, इज्जत जो है ही नहीं उसका डर फैला दो। अब ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि देखो, तुम्हारा एक मसीहा है लॉरेंस बिश्नोई, तुम्हारा इमोशंस के खिलाफ कुछ करेगा तो उसका गैंग आ जाएगा। अरे बोल रहे हैं उसका 700 शूटर्स है, 700। अरे भाई, हमारा CBI, हमारा NIA, हमारा ED, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, 700 लोगों को पकड़ नहीं पा रहा है क्या? लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही है, उसे पूछताछ करके उसे थर्ड रिपोर्ट डिग्री देके क्या वो गैंग को पकड़ नहीं सकते? तो सुनो दोस्तों, ये जो मीडिया है ना, ये साला क्रिप्टो बे, ये साला स्यूडो हो गया, पूरा पूरी येलो, ये अपना TRP के लिए कुछ भी नहीं बना रहे और उसको बेच रहा है, और आप बेवकूफों को तरह सुन रहे, डिस्कस कर रहे, ये बलकरन ब्रार क्या है? हमारा मोदी जी और शाह से भी ताकतवर हो क्या? रह जाएंगे क्या? अरे हमारा चौकीदार है मोदी जी है, हमारा 56 इंच, मेरा कितना इंच होगा पता नहीं, हमारा 56 इंच और 58 इंच अमित शाह जी भी है। हम लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरता है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? सच में ये है या आप सिर्फ क्रिप्टो चढ़ा रहे यार? कुछ लोग तो इसको अपना मसीहा ही समझने लग रहे हैं। सोचो यार, जब अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री रॉकेट छोड़ने के बाद उसको दोबारा पकड़ ले रहा है, तब हम हमारा मसीहा के रूप में लॉरेंस का लॉरेंस बिश्नोई फेक है यार, वो क्रिप्टो है यार, उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं का है यार? हमें अभी सोचना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी सोचना चाहिए स्पेस। कुछ दिन पहले हमारा मून पे कुछ गया, हम लोग भी खुश हुआ, लेकिन ये तो मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद अब तक पहुंचेगा नहीं।
क्योंकि आपका वाइफ का भी बात अब तक उसने नहीं उम्मीद नहीं रखता हूँ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप तक पहुँचेगा नहीं ये बात। अगर गलती से पहुँच गया तो आप एक काम इस लॉरेंस बिश्नोई के फांसी पे डाल, क्योंकि हमारा इस देश में अदालत और वकील दो ही है, हमारा मीडिया एक्चुअली हमारे नहीं आपका है। गैंगस्टर है वो, किलर है, उसका 700 शूटर्स है, कितना सारे मर्डर किया होंगे वो। फांसी तो मांगता ही है ना उसके लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बात आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका वही बात आप तक पहुंचता नहीं है, मेरा बात कैसे पहुंचेगा यार। लगन सुनिए, डर फैलाना बंद, और मैं जनता से अपील कर इन सारे लिया को इस हर बेकार बात में अपना चर्चा बंद कर। देखो दुनिया में आप कुछ भी पैसों से खरीद लो, लेकिन वक्त नहीं खरीद, आपके पास एक ही कैपिटल वक्त, इस वक्त को बर्बाद मत, इसे बेकार चीज इस्तेमाल मत, लाइफ का सक्सेस का एक वक्त का सही इस्तेमाल। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात सारे दिन का काम खत्म के, क्योंकि ये मेरा एक प्रोफेशन नहीं है, तो जो आप सोच रहे हैं ना माल कमाने के लिए कर रहा हूँ वो भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह का वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ वो सब शैडो बैंड हो जाएगा, शैडो बैंड। बात बर्बाद मत, सलमान खान को आप सलमान खान कौन है जानते हैं? पर्सनली तो नहीं देखा, मुझे देख कुछ के अंदर इतना है कि वो अकेला 760,000 आदमी मार सकता है। लगता है दबंग से डरने का काज, अगर डर गए इसका मतलब क्या है? वो जो मैसेज फैला रहे हैं ट्रू सिर्फ फेक है, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए है। सलमान खान 700 आदमी को नहीं पकड़ते क्या? उसको नहीं मर सकते? जो कितना एक्शन वैक्शन सब लोग देखता है, मुझे मजा लेता है यार, फोटो फोटो खींचता रहता है लोग। सलमान खान को डरा रहे हैं, हमारा सुल्तान को डर रहे हैं, हमारा भैया को डरा रहे हैं, और बंदा जो भैया है कि वो कहां से पकड़ के ले आते हैं टेररिस्ट लोगों को और मार देते हैं। वो सिनेमा तो रियल में हीरो नहीं, तो वो एक्टर है, मतलब एक्टिंग करते हैं ऐसा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है लॉरेंस बिश्नोई का 700 या 7,000 क्या कहेगा, तो अपना एक्सेप्ट करेगा ना लॉरेंस बिश्नोई, उड़ जाएगा इसका सबूत इतिहास में है। सलमान खान साहब का 110 फिल्म इसका सबूत है। मारना सिर्फ उसकी नाम और उनके लिए बिश्नोई को मारना या उसको 700 गैंग को पकड़ना, ऐसे ही बाएं हाथ का भी नहीं बाएं इसका काम क्या? हिंदू वालों में ईश्वर बन गए। मेरे प्रियो भारतवासी, आपको डरने का जरूरत, अगर लॉरेंस बिश्नोई आया आएगा नहीं, फिर भी अगर आ गया क्रिश्चियन सब आ जाएगा, नहीं आएगा ये सलामी क्रिप्टो है। इतना जो मारपीट करते, इतना जो एक्शन होता है सिनेमा में, ये सब बेकार है। तब मैं अपने ये वीडियो कर दे रहा हूँ, ये सारे लोग क्रिप्टो है, लॉरेंस बिश्नोई भी क्रिप्टो है, सिनेमा में जो होता है उसका अस्तित्व तक नहीं है, वो भी क्रिप्टो है। मेरे लिए मोदी जी ठीक है भाई, क्रिप्टो क्रिप्टो नहीं है, कभी उठते हैं कभी नाचते हैं कभी भाइयों बहनों करते हैं, मेरे लिए वही ठीक है, वही मेरा टॉपिक है, वही मेरा इंटरेस्ट है, वही मेरा प्रेम, ये सारा स्यूडो ठीक है। ये बंद कर रहा हूँ, आप ये काम करो, ये आपका दिखा हो गया, ये बंद करो, चलो भाई डांटो।